सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम थे, जिस कारण हर कोई सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है और मुंबई पुलिस कर रही है दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के जाने के कारण की सच्चाई जानने की कोशिश, जिसने बीते दिन ही सुशांत की फाइनल रिपोर्ट भी फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि एक्टर की जाने की वजह दम घुटने से है। यहाँ पर ऐसा कोई भी निशान नहीं जिसकी वजह से ये कहा जाए कि सुशांत के साथ ज़बरदस्ती हुई है किसी चीज़ को लेकर या फिर सुशांत को लेकर कोई साजिश हुई है। बता दें कि ऐसे में ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने लाडले बेटे सुशांत के 11 दिन बाद मीडिया से बात की और कहा कि उन्होंने सुशांत के लिए लगातार 3 साल तक दुआएं मांगी थी, जिसके बाद सुशांत उनकी ज़िंदगी में आए, सुशांत का जन्म हुआ। और साथ ही कहा सुशांत के पिता ने कि हमने बहुत मन्नत मांगने के बाद सुशांत को अपनी ज़िंदगी में पाया। 3 साल मन्नत मांगी थी सुशांत के लिए, 4 लड़कियों में सिर्फ एक ही लड़का था और जिनके लिए इतनी मन्नत मांगते हैं उनके साथ ही हमेशा ऐसा होता है। जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता से पूछा गया कि क्या कभी एक्टर सुशांत ने उनके साथ कुछ ऐसा शेयर किया था जिससे पता चल सके कि वो उदास क्यों थे, तो उन्होंने कहा पहले तो सब बोलता था पर लास्ट में क्या हुआ उसने नहीं बताया। देखिए ये संयोग की बात है, जो लिखा होता है वो होता है। हम प्रेशर नहीं देते थे सुशांत को और ये सोच के चलते थे कि इसको परेशान नहीं करना है। तो ये है वो सच जो 3 साल का की मन्नत के बाद सुशांत सिंह राजपूत उनके पिता और उनकी मां की ज़िंदगी में आए, सुशांत सिंह का जन्म हुआ और कुछ ज़िंदगी जीने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान तो बनाई और फिर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये था सुशांत के पिता के सिंह का वो दर्द जो आज भी उनके आंसुओं के जरिए छलक रहा है। नेक्स्ट नाइन लाइव रजनी की रिपोर्ट।